एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और बहुत टाइम बाद हम लोग निकले संडे मॉर्निंग राइड पे। तो ये मेरी पहली संडे मॉर्निंग राइड रहेगी विथ माय बाइक। तो अभी हम लोग रुके यहाँ पर वड़ा खाने के लिए। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। हम लोग ये नरोली क्रॉसिंग पर पहुँचे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ से दिख रहा है दादरा नगर हवेली के लिए ये रास्ता है। इट्स ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर फ्रॉम यर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है वहाँ तक पहुँचते। और यहाँ पर आके देखा तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी अराउंड 40 मिनट्स वेट करने के बाद इन लोग अभी यहाँ पर आए। तो ये है डियर पार्क। यहाँ पर सिलवासा से थोड़ा आगे खानवेल की ओर आते तो आपको ये दिखेगा। यहाँ पर है हमारा ग्रुप, जो कि हम फ्रेंड्स हैं। मिले एक जन वहाँ पर आगे पहुँच गया है। यस, सो ये जय केनिया है अपनी MT-15 पे, विपिन जावा 42, मैं KTM ड्यूक, और वो आगे गया कॉन्टिनेंटल पे। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहला स्टॉप किया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। सो ये मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट है। दूसरे ब्रेकफास्ट में हमारा है समोसा और खाने सूखे ब्रेड कटलेट पकौड़ा। सो ऑलमोस्ट थोड़ा रेनी क्लाइमेट है यहाँ पर, लेकिन बारिश नहीं गिर रहा है, वो अच्छी बात है। इसके लिए अच्छा रहा, ये सब रेनकोट पहन के आए थे लेकिन अभी निकाल दिया। अभी हम लोग ये पहुंच चुके हैं दूसरी बोटिंग पॉइंट पे। सो यहाँ पर अभी बोट्स तो दिख नहीं रही, बट हम लोग यहाँ पर खड़े रह के फोटो तो जरूर खींचेंगे। अभी सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर दूधनी के बोटिंग पॉइंट पर। ये जगह को बोटिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन पानी अभी तो फिलहाल नहीं है। मॉनसून के बाद यहाँ पर पानी थोड़ा आएगा। सो अभी यहाँ पर ये जगह इतनी सही है, थोड़ा बारिश के बाद यहाँ पर ये जो जगह हम लोग खड़े हैं ये पूरी पानी से भर जाएगी। इसलिए अभी ये परफेक्ट टाइम है जब हम आए। बारिश भी नहीं हो रही है, बाकी बहुत क्लाउडी वेदर है अभी यहाँ पर। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर ये सब बाइक लेके अभी ये पूरी जो ट्रेल है वो करी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसमें बस एक कभी कमी थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन की। सो अगर आपको ये स्पॉट पे आना है तो इसकी लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। खानवेल से नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। सिलवासा से अराउंड 25 किलोमीटर्स होगा। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुधनी। यहाँ पर बाइक पार्क कर दिया और ये है दुधनी जेटी। सो ये जो रिवर फ्लो हो रही है वो है दमन गंगा रिवर, और उसके वो पार बोट में जाते हैं लोग। और वहाँ पर गार्डन जैसा है, यहाँ पर ज़्यादा इतना कुछ है नहीं,
लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी सही है, तो वो एंजॉय करने स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं। और जो ये रोड है वो रोड भी काफ़ी सही है ड्राइव करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो अभी हम लोग ये जा रहे हैं आगे की ओर, और थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया साथ में। और यहाँ पर ये लेक व्यू रेस्टोरेंट था, अभी नहीं पता चालू है कि बंद है ये, लेकिन ये व्यूइंग गैलरी है ये। सो अभी मॉनसून के जस्ट पहले हम लोग आए, इसके लिए यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, नहीं तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक भरा रहता है पानी। तो ये हमें जगह मिली, अभी यहाँ पर हम लोग बैठेंगे थोड़ा देर, फोटोज वगैरह क्लिक करके फिर निकल जाएंगे यहाँ से। ये अभी हम लोग यहाँ पर रुके, ये नज़ारा देखो क्या सही नज़ारा है ये, और ये रोड्स भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर ड्राइव करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस प्लेस, संडेज़ को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। महाराष्ट्र की बॉर्डर भी यहाँ पर नज़दीक ही है, गुजरात की भी बॉर्डर नज़दीक है, और ये दादरा एंड नगर हवेली में आता है ये चीज़। पॉइंट है जहाँ पर हम पहले बाइक लेके गए थे, ये वो रास्ता है ये। सो ये वो पॉइंट है नीचे, और अभी हम लोग यहाँ पर ऊपर हाइट पे, यहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, और ये रहा रोड। तो ये एक डैम है जिसके ऊपर हम लोग अभी आए हुए हैं, और ये नज़ारा है, ये देखो रिजर्वायर है ये पूरा। तो ये रास्ता ही है, इसके ऊपर से भी आप जा सकते हो वो पार, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। ये देखो ये साइड पे रिजर्वायर है, ये डैम है जहाँ पर हम खड़े, और ये उसकी बैक साइड है, ग्रेविटी डैम है ये, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा।